इरशाद साहब ने जो एक बात कही कि पॉलिटिकल फैसले मियां नवाज शरीफ की, उन्होंने मिसाल दिया और ये काउंटर आर्ग्यूमेंट मौजूद है, आमिर गौरी इससे एग्री करते हैं कि बानी पीटीआई को अब जिन सूरतयाल का सामना है ऐसी सूरतयाल मियां नवाज शरीफ साहब की थी और कल इमरान खान साहब को इसमें भी आने वाले सालों में रिलीफ मिलेगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे इस तरह नहीं लगता। इस वजह से कि देखें, नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी एक लंबी हिस्ट्री है, जिस वक्त मार्शल लॉ लगा था 99 के अंदर, उसके बाद नैब जो है, बावजूद इसके कि नैब किसने बनाई, लेकिन तैयारा साजिश केस भी तो ऐसा ही था जैसे कि 9th ऑफ मई देखें, लेकिन जिसमें उनको सजा मिली है वो केस नहीं है जिसके ऊपर इस मुल्क का अरबों रुपया लग गया, ठीक है ना। इन्होंने जाके जो ब्रॉडशीट के साथ जो एग्रीमेंट किए वो हमें पता है, जिस तरह हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़े उस आदमी को जिसने, और जिसके जो कंपनी थी उसने पाकिस्तान को एक आना लेके नहीं दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि नीयत जो थी वो ख़राब थी, प्रोसिक्यूशन की जो स्किल सेट है वो फॉल्टी था, ठीक है ना, और इल्ज़ाम जो हैं वो ख्वाहिशात की बेस के ऊपर थे। इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ किया एक वज़ीर आज़म के ऊपर आप करप्शन के इल्ज़ाम लगाएं और आपकी पूरी स्टेट के तमाम इन्वेस्टिगेटिव अदारे जो आप ये कह रहे हैं, एक वो तरफ था, इरशाद साहब कह रहे थे कि ये पॉलिटिकली ऐसे ही केसेस हैं और ऐसे ही रिलीफ मिलना है, आप इससे डिफर कर रहे हैं। बेसिस को टच कर रहा था, मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे उनका ताल्लुक जो है उनकी इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ, पैसा बनाना जो भी है उसके साथ था, जो केसेस इंस्टीट्यूट किए गए कि 1993 में कब वो फ्लैट खरीदे गए थे, नहीं किए, फिर उसके बाद पनामा आया, उसके बाद अकामा आया। ये जो इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं वो उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं थे, वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो तोशा खाने का केस उस वक्त हुआ था, साइफर जिस वक्त वो बिल्कुल हुकूमत खत्म होने लगी थी उस वक्त हुए। तो इसका मतलब है कि कहीं पे कॉन्डक्ट जो है वो स्टेट क्राफ्ट के दरमियान उनका जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है उसकी वजह से उसके दरमियान फंसे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने कहा था कि इस आदमी को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, उतारा, बनाया, उतारा, तो लेकिन ये करप्ट आदमी था, ये पैसे खाता रहा है और पैसे जो है हमने ढूंढ लेंगे कहां से, वो नहीं मिले। तो जो बेसिस है ना केसेस की, उसकी वो डिफरेंट है।